दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज अपने बात कर रहे हैं व्हाट पाकिस्तानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड पीपल थिंक अबाउट इंडिया रियल रिएक्शन। आनम शेख को क्रेडिट दिया था, आनम शेख ऑफिशियल को इस वीडियो के में। तो इसमें कहने का ये है कि अनएजुकेटेड पीपल जो है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है पाकिस्तान में, वो लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। कुछ पता है इंडिया के मोदी सबसे गलत आदमी है, सब कुछ बदला है मोदी ने, बदला नहीं है वो, तो क्रैच कर रहा है ना सबको, एक जुर्म की तरफ घेर रहा है। आने वाले टाइम में थोड़ा और डाल के पूरा काबिल हो जाएगा। अगर वो इस तरह चांद पे पहुंच सकते हैं तो इससे जाहिर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हमारा राज बन, उनमें इत्तेफाक है, गैर मुस्लिम है ना, उनका ईमान पक्का है। आप मानते हो हिंदुस्तान की कौम हमसे बेहतर कौम है? जी वो तो बन गई है ना, वो हमसे हर चीज से आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए हैं। उनकी माशरे देखे, टेक्नोलॉजी देखे, हर चीज से, हर लिहाज से वो हमसे आगे हैं। तो मैं 24 घंटे में से एक टाइम खाना खा रहा हूँ, क्यों कि बच्चे हैं छोटे, नहीं सिस्टम चलता जिंदगी। पाकिस्तान के अगर इकोनॉमी के हालात देखे, मोशियत के हालात देखे, तो आपके सामने है कि कितनी गिरी पड़ी है और गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर क्रिकेट की बात करें तो मैच में भी आपने देखा है कि वर्ल्ड कप से किस तरह से वो कहते हैं ना, टांगे कांप गई और लड़खड़ाते हुए अब घर आ रहे हैं। हर चीज़ में पाकिस्तान जो है वो डूबता चला जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो वो हर चीज़ में उभरता है। क्या वजूहत ये है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, ठीक है, हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से कर्ज़े लेकर, अकवामी मुत्तहिदा से कर्ज़े लेकर हम जो है ये कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये मुल्क बना है, ठीक है। तो ये सूद के साथ नहीं चल सकता, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कलमे की बुनियाद पे बना है तो क्या सिर्फ इस्लामी लोगों से ही हमारे ताल्लुकात होने चाहिए? हाँ जी, जब तक ये इस्लामी कानून नाफज नहीं ना होगा, हदूदुल्लाह नाफज नहीं होगा, इस्लामी कानून नाफज नहीं होगा, उस वक्त तक इस मुल्क के हालात नहीं ठीक हो सकते, जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। क्या आप एग्री करते हो इनकी बात? जी बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, जैसे भी कहना ठीक है। मजहबी लोगों के साथ लेन देन, कारोबार या कुछ भी नहीं करना? सल्लम ने फरमाया था कि यहूद और नसारा कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। मुसलमानों की एक यूनिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, की यूनिटी किधर है? मुसलमान तो मुसलमान का साथ ही नहीं दे रहा। आप पाकिस्तान में ही देख लो, मुसलमान मुसलमान को खा रहा है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान के पीछे जो है वो मतलब कुछ भी करने को तैयार है, सिर्फ पैसे की बेस पे। तो इसीलिए तो मुसलमान पीछे है सबसे। यहूदियों की बात करें वो तो एक दूसरे को सपोर्ट कर, इस्लाम के मानने वाले तो हम हैं। हाँ जी, तो इसीलिए मुसलमान सपोर्ट नहीं करता ना, इसीलिए तो पीछे है मुसलमान सबसे। आप मानते हो हिंदुस्तान की कौम हमसे बेहतर कौम? जी वो तो बन गई है ना, वो हमसे हर चीज़ से आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए हैं। उनकी माशरे देखे, टेक्नोलॉजी देखे, हर चीज़ से, हर लिहाज से वो हमसे आगे हैं। तो हिंदुस्तान की कौम हमसे बेहतर कौम? नहीं, हमारी कौम में हम सबसे बेहतर है। मुसलमान है वो जो कलमे में ताकत है, वो किसी चीज़ में ताकत नहीं है, लिहाजा ये कलमा हमने खुद कमज़ोर किया। जैसे कि हम एक दूसरे का हक खाए जा रहे हैं, जैसे कि रिश्वत का मामला, हर शोबे में रिश्वत चल रही है, स्कूल में, मदारस में, कॉलेज में, किसी भी किस्म में, इसलिए हम कमज़ोर हो रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब मुसलमान एक तरफ इकट्ठे हों। जैसे कि आजकल इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई चल रही है, मुसलमान इसराइल का साथ नहीं दे रहा, इसराइल का साथ दे रहा, फ़लस्तीन का कोई साथ नहीं दे रहा। अमेरिका वाले भी हमायत कर रहे हैं इसराइल की, बोल दिया इसराइल का साथ दे रहे हैं, मुसलमान फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब देखें ना, अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, आज दुनिया भर के कितने ममालिक पे उनका राज है, CEOs उनके हैं, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उनके हैं। दुनिया भर को छोड़ो, मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करो तो तब भी उनका राज नज़र आता है, इंडियंस का राज नज़र आता है। कितने अदारों के ऊपर इंडियंस हैं, मुसलमान किधर हैं और क्यों नहीं है? मुसलमान इसलिए ना, इत्तेफाक नहीं है आपस में, बारी गलतियाँ। हाँ यही तो बात, इत्तेफाक किसी में भी नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बूढ़े तक, किसी में इत्तेफाक नहीं। अगर एक तरफा एक ज़ुबान हो जाए तो फिर हमारा राज बन जाए। उनमें इत्तेफाक है, गैर मुस्लिम है ना, उनका ईमान पक्का है, हमारा ईमान कमज़ोर है, इसलिए हम एक बात है। बस यही तो बात है, सोचना चाहिए। फिर तो ये मानने को तैयार हो जाओ ना, मान लेते हैं कि भाई हम कौम अच्छी नहीं बन सके, वो कौम अच्छी बन गए। नहीं ये तो बात नहीं है, बातों से तो यही सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इन्होंने सब कुछ खुद बोला। बिल्कुल ऐसे ही है, मान नीड़े, बाकी है तो यही सब। बिल्कुल आप पर ये मान नीड़े, लेकिन अगर आप अपनी बातों का वो एक कदर तजिया निकाले अपनी बातों का, तो आप ये देख लें कि भाई हम कौम अच्छी नहीं बने, वो कौम अच्छी बने, बने तो भाई दुनिया पे राज कर रहे हैं ना। सबसे अफजल यही है, दुनिया पे राज क्यों नहीं कर रहे?
दुनिया पे राज, ये मैंने आपको पहले बात कही है कि ये हमारी कमजोरी है, हमने कौम अच्छी कैसे बने अगर हमने अपने अंदर गलतियां देखनी है तो हम कौम अच्छी कैसे बने। आज पूरी कौम, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की पूरी कौम क्या साए तले एक है? नहीं है। कौम अच्छी कैसे बने? तो अपनी सलाह करें ना, अल्लाह से माफी मांगे की जरूरत है ना, इस्लाह करें। आज के टाइम में क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, हर लिहाज से करेंगे। जंग में या इकोनॉमी में, पढ़ाई में, टेक्नोलॉजी में कर सकते? जंग में तो इंशाल्लाह करेंगे। ले सर देख ले, आप बताए किस में कर सकते हैं? जंग ही है, बाकी तो वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जंग में कर सकते हैं। आने वाली 10 साल की नस्लों को सिर्फ जंग सिखानी है। हाँ जहरी बात है, जंग ही है, बाकी तो वो सबसे आगे, हम से आगे, बस एक जंग ही रह गई है जो आखिरी मुकाबला है। देखिए पढ़े लिखे से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं है वो ज़्यादा समझते पाकिस्तान को, वो मानने को कि भी तैयार है कि पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, ना वो एजुकेशन में अच्छे है ना और कुछ नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए रिलीजन इम्पोर्टेंट लगता है और कुछ नहीं लगता है, बस मुसलमान है हमें क्या बोलते हैं उसको, कलमे की ताकत है, ये है वो है। अरे मुस्लिम तो और भी जगह रहते हैं लेकिन इस तरह से नहीं करते जिससे पाकिस्तान में चल रहा है अभी। पाकिस्तान में खाने को जाने नहीं लेकिन करेंगे मुस्लिम इस्लाम इस्लाम के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपनी इकनॉमी ठीक करें, अपनी एडुकेशन ठीक करें, फिर ऐसे बात करें तो अच्छा लगता है। जंग की भी जहाँ तक बात कर रहे हैं, जंग में भी वो हमसे कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, 4 जंग हुई इंडिया के संग, 4 वो हार गए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।